हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कल यहाँ पर एक न्यूज बाहर आई, उस न्यूज के बारे में बात करेंगे। क्या इस न्यूज से कुछ हमें मिलने वाला है? और दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि सर रोजाना ये काम है क्या सर आपका, फर्जी न्यूज बनाने का, वोट है भाई। देख सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को इसकी नीड है और ये ही नीड आपके काम आएगी। यहाँ से आपको पता लगता है कि एग्जाम कब होने वाला है। दोस्तों जब तक आपको कोई डेट कन्फर्म नहीं होती ना, उसको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी दूरी इतनी है तो आप स्पीड मेंटेन नहीं करोगे। यस वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपके लिए यहाँ पर दोस्तों मेल करते कॉल करते। मैंने कल भी एनडी से बात करी, एनडी ने कुछ अच्छा बयान दिया तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों, फिल्डर फॉर्म आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट देने वाला है फ्री। 15 से 20 भैया मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और दोस्तों यहाँ पर फिल्डर फॉर्म 10 टॉप 10 स्टूडेंट को अवार्ड भी देगा, तो ये भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। ये जल्दी अपडेट आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, पूरे यूट्यूब या पूरे दोस्तों एजुकेशन में चल जाना, इतने फ्री मॉक टेस्ट आपको कोई भी नहीं देगा। मेरा चैलेंज है फ्री में 15 से 20 मॉक टेस्ट को अगर दे फ्री में, तो भी हमें बता देना कमेंट बॉक्स में करके कि ये फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा एग्जाम 2 से 17 मई के बीच में होना था, कोरोना आया, एग्जाम चला गया। फाइनली दोस्तों यहाँ पर एग्जाम डेट स्टार्ट होना हो चुकी है। सबसे पहले इन्होंने नीट कराई, फिर जेई कराई, अब एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं, मतलब सारी डेट इन्होंने फिक्स कर दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंट्री जो एग्जाम करा था सारी मोस्टली ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन का जो ब्लॉक होता है डेट का वो फिक्स हो चुका है। सितंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है, अगस्त में जेई के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, तो हमारा एग्जाम कब होगा? दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि नेट एग्जाम का जो अपडेट है, ओनली अपडेट अगस्त के 2nd वीक या 3rd वीक में आएगा। ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ, स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बता दिया। और दोस्तों जो मैंने एनटीए से बात करी, उन्होंने ये भी बताया है कि सर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्यों अभी एग्जाम डेट नहीं आ रही? मैंने उनको बोला, कल हमारे 10 मिनट बात चली, मैंने बोला कि एग्जाम डेट क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने बोला कि सर अभी कोई भी एग्जाम डेट का ब्लॉक खाली नहीं है। ब्लॉक मतलब कोई भी एग्जाम डेट खाली नहीं है, क्योंकि नेट एग्जाम दोस्तों 10 से 15 दिन चलता है। अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों जेई का एग्जाम कराना, नीट का एग्जाम कराना और एंट्रेंस का एग्जाम कराना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइकिल है। बट नेट एग्जाम इतनी वैल्यू मान्य नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि अगर आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो आपको किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाओगे, नहीं आपको कोई गवर्नमेंट लाइक मिलेगी नौकरी, तो ये इतना मान्य वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए इसको लेट एग्जाम कराया जा सकता है। तो मैंने पूछा क्या अक्टूबर नवंबर तक होगा, तो उन्होंने बोला नहीं सर इतना भी लेट नहीं होगा, आपको डेट अगस्त तक मिल जाएगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर क्या एग्जाम अपडेट आएगा, क्या विंडो ओपन होगा एग्जाम सेंटर चेंज करने का, तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी अभी तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट ये हमको पता लग चुका है कि अगस्त के 2nd वीक में या कहीं ना कहीं अपडेट आ जाएगा। और दोस्तों देखिए स्टडी का जो लेवल है ना, अभी काफी ज्यादा डाउन जा चुका है, मेरे को पता है कि बच्चे कितने लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लेवल बढ़ाना है। फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो भैया रोजाना का 1 या 2 मॉक टेस्ट भी दोगे ना, तो जब भी आपका लेवल बढ़ जाएगा। और दोस्तों आज हमने यहाँ पर हमारी टीम हायर कर ली है, टीम आज हायरिंग काम स्टार्ट हो चुका है, आपको वर्क स्पीड ज्यादा मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।